नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। होली का मौसम है और गुंजिया वाली चाट ना हो तो क्या बात है। तो देखिए, चलिए बना लेते हैं आज हम उड़द की दाल की गुंजिया वाली चाट। तो चलिए, जो बनाने में बहुत आसान है और आप इसे फटाफट बना सकते हैं। ये मैंने एक कटोरी उड़द की दाल ली है और इसे हमें 6 से 8 घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा है। मेरी दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, मेरी दाल एक कटोरी थी और ये दुगनी हो गई है अब ये भीगने के बाद। और अब हम इन्हें मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लेना है। अगर पीसने में दिक्कत आए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेती हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना हमें, सिर्फ 1-2 चम्मच के करीब ही आप इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से पीस सकती हैं। हमें इसे बहुत ही बारीक पीसना है। अपनी दाल को आप ऐसे ही पीस लीजिए, 2 या 3 बार में आपकी दाल पीस जाएगी अच्छे से। ये देखिए, मेरी दाल अच्छे से पीस के तैयार है। ये सिर्फ उड़द की दाल है और मैंने इसे पीस लिया है बहुत ही बारीक। और अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। और अब मैं इसे अच्छे से फेंट लेती हूँ। हम इसे जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी ये फ्लफी हमारी उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बनेंगी। और इसमें डालिए थोड़ा सा नमक, बस सिर्फ हमें इसमें नमक ही डालना है। और फिर इसे अच्छे से चलाना है, बहुत अच्छे से फेंटिए आप इसे, ताकि हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बने, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही अच्छी कुरकुरी बने। इसे अच्छे से आप फेंट लीजिए ताकि हमारी दाल थोड़ी सी फ्लफी हो जाए। इसको अच्छे से आप ऐसे ही चलाते रहिए थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। इससे हमारी दाल बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। और इधर मैंने तेल रख दिया है गैस पे चढ़ा के। और अब हम इसको देख लेते हैं कि मेरा तेल अच्छे से गर्म हुआ है नहीं, क्योंकि हमें इनकी पकौड़ियाँ बनाने के लिए बहुत ही हाई फ्लेम पे तेल गर्म होना चाहिए, ताकि हमारी पकौड़ियाँ नीचे से चिपके नहीं और बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छे से। आप चाहे तो इसे किसी शेप की बना सकती है, लेकिन मैंने इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ, गोल गोल पकौड़ियाँ बना दी हैं, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान है और बड़ी जल्दी सीख भी जाती हैं आप। मैंने इसे गोल गोल ऐसे पकौड़ियाँ बना दी है इसकी। ये देखिए, मैंने इसमें 8 से 10 पकौड़ी डाली है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पकौड़ियाँ नहीं डालनी है, नहीं तो हमारी पकौड़ियाँ बस में चिपक जाएंगी। और देखिए, ये मैंने थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के अपनी पकौड़ियाँ डालना शुरू की। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आप एक बार इसको बनाएंगे तो बाज़ार की चाट खाना तो आप भूल ही जाएंगे, आप बार बार इसे घर पर बनाएंगे। देखिए मेरी पकौड़ियाँ कितनी मोटी मोटी हो गई है, मैंने बहुत ही छोटी छोटी डाली थी, और फूल के ये कितनी मोटी मोटी पकौड़ियाँ हो गई है मेरी। और इन्हें हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ताकि हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छे से सिक जाए। इनको आप अलटते पलटते रहिए ताकि हमारी पकौड़ियाँ चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। ये देखिए, मेरी पकौड़ियाँ बनके तैयार हैं। आप इसे बस डायरेक्ट पानी के अंदर डालिए ताकि ये अच्छे से भीग जाएं। आपने देखा भी होगा कि बाज़ार में पकौड़ियाँ जो होती हैं वो पानी के अंदर ही होती हैं, उन्हें हमें निकाल के देता है वो ऐसे निचोड़ के। देखिए, मैं आपको अपनी एक पकौड़ी काट के दिखाती हूँ। देखिए मेरी पकौड़ी कितनी फ्लफी पकौड़ी बनी है मेरी, अंदर से बिल्कुल ही और बाहर से एकदम क्रंची। और मैं और भी अपनी पकौड़ियों को ऐसे ही डाल लेती हूँ सबको, और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। इनको भी हमें ऐसे ही अच्छे से फ्राई कर लेना है, अलटते पलटते रहना है, ताकि हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएं। और इन्हें भी हमें पानी में डाल लेना है और हमें रखना है इसे 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर इनको निचोड़ के हल्के हाथों से पानी से निचोड़िए और निकालिए। और ये अब हमारी चाट, उड़द की दाल की पकौड़ी वाली चाट बनके तैयार है। ये देखिए, ये मैंने दही ली है और इस पर दही डाली है आप। ये काफ़ी सारा दही डाल दीजिए ताकि हमारी पकौड़ी हमारे से दिखे नहीं। ये देखिए, मैंने इस पर बहुत सारा दही डाल दिया है, बहुत ही गाढ़ा दही मैंने फेंट के रखा हुआ था। और ये मैंने इमली की चटनी ली हुई है, ये भी मैंने घर पर ही बनाई हुई है। ये देखिए, इमली की मीठी चटनी है ये।
और इस पे अच्छे से आप इसको भी डाल दीजिए। और ये डाली है मैंने थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी इस पे, ये मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बनाई हुई है, आप चाहिए तो इसे मेरी वीडियो पे देख सकते हैं। और थोड़ा सा नमक डालिए और डालिए इस पे थोड़ी सी लाल मिर्च चटपटा करने के लिए। इसे आप मिर्च कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए ये तैयार है मेरी चाट, बनके तैयार है, एकदम मार्केट जैसी चाट है ये। आप इसे बना कर ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ये बनाने में बहुत ही आसान है और बिल्कुल ही सिंपल तरीका है इसका बनाने का। आप बनाइएगा ज़रूर एक बार, होली का मौका है तो चाट तो बनती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और